once again to the world's oldest debate, ladies versus gentlemen. हम हैं आपके होस्ट जिनीलिया एंड रितेश डी और ये है वो शो जहां आप सिर्फ अपना ओपिनियन देकर लाखों प्राइजेस जीत सकते हैं. रिवॉर्ड्स के साथ आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज विद आवर 4 BFFs, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स. प्लीज वेलकम द एक्टर विद यूनिक थॉट एंड स्टाइल, निया शर्मा. हाय निया, वेलकम, लुकिंग लवली. थैंक यू. छान तेजस्वी, खूब प्रकाशमयी तेजस्वी प्रकाश. हेलो. अतिशय सुंदर दिसते तुम्ही. मस्ती का ओवरडोज ऋत्विक धनजानी. मास्टर एंटरटेनर तरुण वाही. देखो ना भाई, चमक गई दोनों. भाई तभी तो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ हो नहीं रहा और इधर बवाल हो रहा है. जेंटलमैन, मुंह थोड़ा बंद करो ताकि हम आगे बढ़ सके. सो इंडिया, हम पूछेंगे आपसे 3 सवाल जिनका आपको देना है परसेंटेज में जवाब, जिन पे देश का ओपिनियन पोल करवाने के बाद हमें मिल चुकी है इंडिया की सोच. आपके स्क्रीन पे आएगा एक परसेंटेज स्लाइडर जिस पर है 0, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक का परसेंटेज. सवाल सुनने के बाद 15 सेकंड में आपको स्लाइडर पे अपना परसेंटेज क्लिक करना है. अगर आपके तीनों परसेंटेज हुए क्लोजेस्ट टू इंडिया की सोच तो आपको मिलेंगे शानदार इनाम. सो लेट्स बिगिन द डिबेट. तो आज का पहला 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 सवाल है, कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा नैग करती है. ये देख लो, औरत को दिया हंसी. एंड योर 15 सेकंड स्टार्ट नाउ. सिलेक्ट द राइट परसेंटेज ऑन योर स्लाइडर. ठीक है. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. सेवेंटी परसेंट. लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब. 70%. 70. क्या बात है. सबसे पहले आपसे सुन लेते, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां छोटी छोटी बातें पकड़ लेती हैं. वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि तुमने ये चाय का कप तुमने यहाँ से उठा के सिंक में तो रख दिया, कल ये नहीं रखा था, कल मैंने ये बताया, आज तुमने रख दिया, लेकिन ये जो निशान पड़ा है ये क्यों नहीं साफ किया. I think इसको थोड़ा सा समराइज करने के लिए सिर्फ यही है, देखो men in general are lost souls, most of us. I love कि ऋत्विक के पास एक वर्ल्ड व्यू होता है. मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो मर्द होते हैं वो ऐसे होते हैं, और ये यूनिवर्स में जो औरतें होती हैं, डीएनए उनका ऐसा होता है, जो मर्द होते हैं वो डिफॉर्मिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं. यार ये डिफॉर्मिटी नहीं है यार रितेश, नो दिस इज नॉट अबाउट डिफॉर्मिटी. बताइए, हम हैं यार थोड़े से लॉस्ट है, क्योंकि हम हैं यार. और लाइक वी नो वुमेन वांट टू सॉर्ट ऑफ टॉक एंड जस्ट गेट टू आधी बातें सुन के आधी सुनते नहीं. तुम हमारी सुन नहीं रहे हो, यू डोंट रियली केयर अबाउट. अरे नो नो, वी आर लिसनिंग, बट नो, व्हाट डिड आई से? 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला था? हो गया. ये देखा, हो गया. उसकी आंखें देख ले, हो गया. अब मैं आऊं बताने. तेजस्वी, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि लड़कों को लगता है कि लड़कियां बहुत नैक करती है, क्योंकि जब तक लड़कियों को अपनी बात का जवाब नहीं मिलता, अगर आप पहली बार में जवाब दे दोगे तो वो नहीं करेगी. नहीं, नहीं, पहली बार में जवाब दे दोगे तो फिर तो स्यापा ही खत्म हो जाएगा ना. नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि हमें मतलब और कोई काम नहीं है, हमें मतलब मजे आते लड़ने, हमें हमारा शौक है ना, कि मेकअप बेसिकली, एंड लाइक आज लड़ना है यार, आज कुछ तूफानी करना है, आज लड़ना है. ऐसे नहीं होता है, जितना लड़ते हैं उतना ही एक्सप्रेसिव लड़कियां होती है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग लव आल्सो. यस, आई थिंक हमारे लेवल ऑफ इश्यूज बहुत अलग हैं. जो हमारे लिए इशू है
वो इशू है, लेकिन जो इनके लिए इशू है कई चीजें तो हमें पता भी नहीं है कि हमने की है। आई थिंक इसलिए नैगिंग वहां से ज्यादा आती है। थोड़े एपिसोड्स पहले डिडंट यू से कि अगर मेरे को अपने गाय गैंग के साथ थोड़ी देर टाइम बिताने के लिए अगर मुझे कभी अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़े कि बेबी आई एम एट वर्क और उसे पता लग जाए तो वो नैग करेगी, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नो नो, दैट इज नॉट नैगिंग, दैट इज बीइंग फेयर। नाउ इफ वी कन्फ्रंट यू फॉर दैट कि भैया तुमने झूठ क्यों बोला, सीधा बता देते तुम अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे बट नैगिंग इज नेवर कन्फ्रंटेशन, दिस इज नैगिंग राइट? एवरीथिंग, दैट्स नॉट नैगिंग। वैलिड पॉइंट भी लड़की लेके लड़ेगी ना, वो इनके लिए नैग ही है। अरे नहीं, नैगिंग इज क्रिकेट क्यों देख रहे हो? अच्छा, मुझे लगता है कि सीरियस इशू पर ये डिस्कशन हो सकते हैं, करेक्ट है, लेकिन नैगिंग होता है कि जो प्रोबेबली रोजमर्रा के इश्यूज हैं, कि ये यहाँ पर क्यों रखा, वो वहाँ पर कैसा नहीं किया, तुमको चार बार बोला फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? फेयर ना, फेयर है ना, तो नैगिंग नहीं है, वो नैगिंग तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक दैट इज नॉट लिसनिंग, लाइक या लैक ऑफ अटेंशन, या टेकिंग फॉर ग्रांटेड। एक तो यू आर सेटिंग द हाउस बिकॉज़ देयर इज नो वन एल्स मेकिंग द हाउस, करेक्ट जेनिलिया? देन इट हैज टू बी द वे इट इज, राइट रितेश? यस, वी आर विद यू लेडी। नैगिंग, खबरदार अगर इसको नैगिंग बोला तो। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं रितेश, इतना ड्रामा। No, but I think we take nagging in the wrong way. Yeah. Always, it's not negative always. It is also for your betterment. Yeah. Or probably it's the same information repeated again and again. Yeah. ये ही ना कह रहे तुम बार बार फोन पे, मतलब अगर पहली बार जब बताया था फोन पे इतने मत रहो, तो पहली बार अगर हम सुधर जाते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम नहीं सुधरे इसलिए वो बात नैगिंग में हो गई। Well done, Nitin. So glad. ये रही मेरी सोच, आइए देखते क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 57%। इस सवाल का सही जवाब है 60%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर 60% प्रेस किया है, then your answer is absolutely right. इस सवाल के लिए आप दोनों की सोच इंडिया की सोच से क्लोज है जी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने परसेंट औरतों को लगता है कि एक मर्द सारी उम्र एक औरत से लॉयल नहीं हो सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सो चूज योर परसेंटेज। है ना, सेम कम भी हो सकता है, बट इससे कम क्यों आएगा? ओरे बहन, तुम्हारे को एवरेज भी तो करना है। अच्छा हाँ, तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज स्कोर। 70%। जेंटलमैन का जवाब क्या है? ये तो आपकी लॉयल्टी का सवाल है, नहीं ये तो औरतों की सोच का सवाल है। औरतों की सोच का सवाल है, लॉयल्टी का सवाल नहीं है। 70% फिर से सी। आपकी सोच एक दूसरे से मैच हो गई, अब उसे सिर्फ इंडिया की सोच से मैच करना है। हाँ, बस मैं पूछना चाहता हूँ करण और ऋत्विक से कि ये 70% पर आप क्यों आए? I've heard a lot of women say this की लॉयल तो ये रह नहीं सकते, मतलब ये हो ही नहीं सकता, मर्दों की मतलब डीएनए में ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे ऐसे बहुत मर्द हैं जो बहुत गए गुजरे हैं, बट द पॉइंट इज इसको इतना जनरलाइज कर देना हैज बिकम नॉर्मल नाउ। इट्स सच अ लॉस्ट बैटल फॉर मेन कि आप इसको लग, हाँ ठीक है भाई, अब लगता है तो होता ही होगा। बट इज इट ट्रू? I don't think so at all. You don't think so? I think ladkon ki na fitrat mein floundering is more than women. Ye main agree karta hu. Okay. Lekin kya har ladka flounders around or when he is with somebody for life will he do it? That is very debatable और वो debate कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर लड़कियाँ आप सोचते हैं कि ऐसा believe करती हैं, हाँ जी, do you think they have reason enough for them to think that way? So to answer that, I think definitely. There is reason उनके enough. पास reason enough है क्योंकि most of the women have experienced a relationship जहाँ पे उनके boyfriend ने उनपे cheat किया होगा, plus they have friends, sure. plus they have lot of other people in and around them, relationships around them that they say कि ये ले, इसमें भी तो यही हो गया। So I'm saying कि there are reason enough, but what happens is कि if you generalize it for the people who actually believe in commitment and loyalty, they are degraded, and that's not right. But I don't think so, yaar.
भले ही जनरलाइज भी किया गया है, बट देर आर मैन दैट आर कमिटेड एंड दे विल स्टे कमिटेड. उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा. इट डजंट मीन दैट यू हैव डिग्रेडेड अस, नाउ वी विल आल्सो गो एंड डू समथिंग लाइक दैट. सो इसमें डिग्रेडिंग वाली बात है ही नहीं. आई विल टेल यू व्हाई आई सेड दैट इज बिकॉज़ इफ योर लॉयल्टी इज क्वेश्चनड एवरी नाउ एंड देन. नो यार, एवरी नाउ एंड देन फिर देयर इज नो ट्रस्ट इन दैट रिलेशनशिप. आई एम सेइंग बारिंग basis what I see outside. Yeah. Yaar, aisa to tum bhi karte ho. Arre, matlab, what is that? It's just that in a way I feel for a long time there's this certain way of humor that is going on. See, even in the movies you'll see like men like, ओहो आज ये वाली तो बहुत सुंदर. अरे हटो जी आप भी ना इधर ऐसे ना. इट्स वेरी टिपिकल. यू विल नेवर सी द वुमन बीइंग लाइक ओह अच्छा जी एंड द हस्बैंड लाइक तुम क्या कर रहे हो अंदर चलो. इट्स ऑलवेज शोन इन अ वे दैट यू नो इवन विमेन आर लाइक अब हमारे मर्द तो ऐसे ही हैं. अब वो ना बड़े मजाक किया है ना वो ना उन्हें मस्ती करने की आदत नहीं जाती. I would be very offended if my husband cracked joke like that about him being married and I'm like, अरे यार मेरी तो अभी शादी हो गया ये हो गया. And I don't like those jokes. और ये notion कहाँ से आया? You go in a gathering, a woman has to see her man flirting with five other women, even if it's a healthy flirting, let's say. अब आप वो loyalty आप भले ही आपने life में एक बार तोड़ी हो या आपने फिर पांच लोगों के साथ तोड़ी हो, वो आपने तोड़ी है. I absolutely agree with Nia, but I personally also know a lot of women. Who do that? Yeah, a lot of women who do that. But honestly, that's never a point of discussion. That's exactly what I'm saying. In general, let's be honest, yes, men have given you so many reasons for you guys to speak about this. But I just say it shouldn't be generalized. That's all I feel. But see now, gentlemen 70, ladies 70. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. इंडिया की सोच है 53%. इस सवाल का सही जवाब है 50%. अगर आपने अपने स्लाइडर पर 50% प्रेस किया है, then you got the right answer. इस सवाल के लिए आप दोनों की सोच इंडिया की सोच से दूर है. काफी मतलब सब गांधारी बन के बैठे हैं हमारा पति. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने परसेंट लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद ज्यादातर मर्द जोरू के गुलाम बन जाते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब. इंडिया, दिस इज योर लास्ट चांस टू विन रिवॉर्ड, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट परसेंटेज स्लाइडर. What do you think? I don't know exactly. Relationship में जोरू का गुलाम नहीं होता. मैं जोरू का गुलाम. Marriage की बात ही तो होता है. अरे माँ कसम, नहीं. Let's see the ladies' percentage now. 60%. Okay, boys, let's see what y'all have. 50%. इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि पति या बॉयफ्रेंड ना, हम जब एक रिलेशनशिप में घुसते हैं ना, तो आई थिंक हम विदाउट रियलाइजिंग और सम रैंडम रीजन, या डर कह लो या कुछ अटेंशन स्पैन कह लो या सबकॉन्शियस डिलेमा कह लो, हम कुछ ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि हमें शायद खुद ही लगने लग जाता है कि हम जोरू के गुलाम हैं. जो कई सिनेरियो में सच हो सकता है, बट कई सिनेरियो में सच नहीं होता है. करेक्ट. आई फील इस बात में काफी सच्चाई है कि ऐसा होता है. ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है. अरे देख लो अपने आप को. सच बोलना. I feel कि जो जोरू का गुलाम ये टर्म है ना, ये अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों के गैंग में जब आप एक प्लान बनाते हो और वो आ नहीं पाता किसी भी कारण, तो वो डिसाइड करते हैं अरे ये तो जोरू का गुलाम हो गया. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप भी गलत नहीं हो और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशन बदल जाता है स्पेशली दोस्तों से. Sure. And that's because of priorities. नहीं, मुझे लगता है आप शादी से पहले हर दिन बाहर जाते थे, अब शादी के बाद यू विल हैव टू बैलेंस योर लाइफ आल्सो, एंड दैट्स एन इक्वेशन बिटवीन ईच कपल दैट दे कैन फिगर आउट कि क्या होना चाहिए. लेडीज क्या सोचती हैं? दैट वाज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए रात को टाइम पे घर आ रहे हो या फिर उसने कुछ बोला अगर आप वो करके आ रहे हो, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आप उसके कदमों पे नाच रहे हो. बिल्कुल भी नहीं. बट अगर हम बाकी के शहरों में जाएं, आई एम श्योर वुमेन आर स्टिल आफ्टर मैन कि अरे आप सब्जी नहीं लेकर आए, अरे आपने आज ये नहीं किया, अरे आपने वो नहीं ठीक कराया. सो दोस हाउस चोर्स बट आफ्टर वेरी मेनी इयर्स ऑफ मैरिज इट बिकम्स लाइक अरे जोरू का गुलाम बन के रह गया. सो इट्स जस्ट अ वेरी फनी टर्म, कैन नॉट बी टेकन इन अ
You have to take in the humor of it. Humor the spirit out of it. Of yeah. What and it it's is, all right. It's okay. Yeah. मुझे नहीं लगता कि वो आदमी literally उसका गुलाम होता है कि उसको वो term दिया जाता है. And at times I also feel that कि अगर कोई लड़की कुछ demand करे तो lot of times I feel like boys like it. कि मतलब you know कि अरे चलो इसके नखरे उठाते हैं. तो I think in a funny way okay they're okay being the Joru का गुलाम because it's very cute but not literally the Joru का actual गुलाम. Yeah. It's like pampering you. हाँ, it's a very like in a cute way I think. So gentlemen 50%. लेडीज 60%. आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. इस सवाल का सही जवाब है 60%. अगर आपने अपने स्लाइडर पर 60% प्रेस किया है देन यू हैव गॉट द राइट आंसर. मैं जुरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा. जीते ही जुरू निकली. रुतबा बदल गया. हम जीत गए. इस सवाल के लिए लेडीज की सोच मैच करती है इंडिया की सोच से. इंडिया, अगर आपने तीनों जवाब सही दिए हैं तो आप जीत चुके हैं इनाम. जल्दी से शो के पेज पर जाकर अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कीजिए. कम बैक टुमारो टू विन मोर रिवॉर्ड्स ओनली ऑन दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई लेडीज वर्सेस जेंटलमैन. Flipkart वीडियो पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ.